जिंदगी में जितनी भी कामयाबी मिली है इस घर से, इस घर से जो चप्पल पहन के आना पड़ेगा उस्ताद। नहीं चप्पल उतार के उम्मीद आप सब सोएंगे और मजे में और अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। तो भाई आज हमेशा की तरह आज संडे है और संडे हमारा मकसद होता है भाई रोशनी में वीडियो बनाना, लेकिन हम लेट लतीफ इंसान है हमेशा की तरह। तो आज मुताल को भाई वेट लूज करना है, ठीक है? आज आज नहीं बल्कि आज नहीं आज इसको लेना है एडमिशन चाहिए जिम, और आपका भाई जिम जाएगा बॉडी बनाने के लिए, एकदम चीता हो जाएगा, सलमान खान लगेगा। ऐसा है या नहीं भाई? क्या बात कर रहे हैं, जिम मैं जा रहा हूँ तो बॉडी तेरी कैसे बनेगी? भाई मैं जाऊँगा ना तो अभी मैं जाऊँगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ना मोटिवेट हो जाएगा भाई ना यार, कि लोग जिम कर रहे हैं, लोग जिम कर रहे हैं, लोग जिम मतलब बॉडी बना रहे हैं, बैठ जाएगा जिम करेगा या जिम एक्सरसाइज करेगा, लोग बॉडी बना रहे, तो आपका भाई जो है उससे मोटिवेट होगा तो शायद कोई आसरा पानी हो जाए। आपकी जो बॉडी है उस पे सिर्फ डस्टबिन बन सकता है, बॉडी नहीं बन सकती। और हम तो भाई क्या सीन है फिर भाई, तुम भी जाओ यार जिम में, यार तू भी जिम कर यार। मैं जिम जाऊंगा वो फैमिली पैक बनाने, लोग सिक्स पैक बनाते भाई, फैमिली पैक तो नहीं, नहीं फैमिली पैक समझ लो क्या मतलब, मतलब समझ जाओ क्या समझना है, फैमिली पैक तो ये बात कर रहा हूँ तुम्हारी जहनियत की भाई, इसने शादी की, हर चीज घूम फिर के, खुद इंसान जलील होता है ना वो दूसरे को भी जलील, हर चीज घूम फिर के इसकी शादी, इंसान को जलील होने के लिए आपने हिंट्स का सपोर्टर होना चाहिए, आपने हिंट्स क्यों दिया फैमिली पैक का, फैमिली पैक बोला है मैंने, ये नहीं बोला फैमिली, तो भाई जहन जाहिर सी बात है जहन में तो आएगी ना ये फैमिली पैक मतलब, अच्छा, कोई फैमिली में घर वाले नहीं हो सकते है? जरूरी है देगा वो, घर वाले नहीं हो सकते फैमिली, तो अभी क्या जाना है, दो काम पूछो, एक तो जिम में रजिस्ट्रेशन करवानी है, दूसरा आज हम लोग कहीं जा नहीं रहे, आज हम लोग जाएंगे वापस मेरे पुराने वाले घर पे, वहाँ से निकालना है बैग, अगर दो बैग निकल जाता है तो एक मेरा हो जाएगा एक तुम्हारा आसरा हो जाएगा, तो कैसे जाओगे, बाइक पे जाएंगे, तो तुम कैसे वापसी के साथ यहाँ पर है ये वहाँ जाएगा फिर वापस आएगा, तो अगर आप यहाँ से 22 किलोमीटर कहीं और सफर करोगे तब भी इतना टाइम लगेगा, कैसा यार तो अजीब, या तो आप पहले आ जाते ना यार, आप थे ले, आपने मुझे बताया आप थे, अबे तो मुझे खुद अभी पता चला, बैग का भी पता चला ना उस्ताद, बैग पड़ी है जो हम लोग हैदराबाद लेके गए थे, अभी वहाँ जो बैग सीन हो गया उस्ताद, खुआरी हो जाएगी, खुआरी तो करनी पड़ेगी ना उस्ताद, क्योंकि अगर कहीं और निकलोगे तो उससे बेहतर है काम कर लेते हैं, आज काम कर लो ताकि अगले जब भी निकले अल्लाह ताला की मर्जी से तो खुआरी ना हो, तो अभी सीन ये है कि पहले तो चाहेंगे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तू पैसा दे रहा है ना मेरे रजिस्ट्रेशन का, हाँ ना मैं दूंगा, आपको बताया था कुछ वीडियो में बताया था कि मुकेश अंबानी मुझे जेब में लेके घूमता हूँ तो उसको मैं दे दूंगा पैसे, मसला नहीं, कह रहे हैं तो चलते हैं, कौन सा जिम जा रहे है वो लालू खेत, आप टाइम देते हो मुकर्रर टाइम देते हो और उस पर कितना अमल करते हो तो लोग आपके रुखसार पे जो है ना तमाचे रसे भाई, भाई असल में गलत फहमी हुई है तो अब क्या करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, जिंदगी का हिस्सा है, तो अभी हम जा रहे हैं अभी जिम, सही है, इसको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या करवाना है इसका मसला ये, अपन तो चला जाएगा जिम में थोड़ा बॉडी वॉडी बना लिया एक दिन के लिए, चलेंगे बॉडी बनाने के लिए, आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाने आ रहा हूँ, कल से क्लास होगी स्टार्ट, चलो भाई आज चलते हैं, अबे भाई तेरी पूरी बॉडी जितनी उतना बड़ा इसका टांग है, ये भी अच्छा है, ये भी समझने वाली बात है वैसे, सही हो गई है, सुगात मिल गया तुझे शायद, मुझे लगा पसंद आ गया तुझे यहाँ का, जो मेरे ही सर पे करने का मेरे पुराने घर पे, तो ये नीचे जो है किराएदार मौजूद है, लेकिन ये है मेरा ओरिजिन प्लेस भाई, सीन ये है कि ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पर जो है वो कुछ आत्माएं रहती हैं, इस वजह से ये छोड़ के गया, भाई जो भी जिंदगी में जितनी भी कामयाबी मिली है इस घर से, इस घर से जो असल यही है, तो देखो चेयर पे कोई बैठा हुआ है, पहले जब हम भी हम छोटे में मतलब के फर्स्ट सेकंड ईयर में थे, इस घर इस कमरे तो में इतनी वाहियात वाहियात चीजें हुई हैं, सही पहली बात, मतलब भूत आत्मा आया, जब भी बारबेक्यू हुआ है यहाँ पे तो इस कमरे में सारी गंदी हरकत होती है, हाँ ये वो तो ना यार, तो भाई चाबी तो लेकर आया अभी, देखो तुम करने क्या हो यार, बैग ढूंढने के लिए आया, आपको बताया यार हम बताए हैं आपको, हम बता दिए, इसको बंद कर दे रहा अंदर, अच्छा फिर यहाँ पे था कबूतर भाई साहब, में धड़क लगा दिया ना, दरक ना दरक है, खतरी है अबे, कलर करवाया था ना तुम लोग, ग्रिल लगवाया था ना कमरा बंद करने के लिए, और हमदा तुम्हें तुमको याद आ, तुमको क्या याद आ रहा है यार, मुझे इस घर से क्या यादें ताजी हो रही है, मुझे याद आ रही है वैलेंटाइन डे,
वैलेंटाइन डे भाई, यहाँ पे वैलेंटाइन डे के हम जो है बारबेक्यू बना रहे हैं। वी वांट सम प्राइवेसी, तो वैलेंटाइन डे वाले दिन हम यहाँ पे बारबेक्यू किए थे भाई। ये वैलेंटाइन डे वाले दिन अबे हिल जा रहा ना भाई, अजीब बात कर रहे हो। आपको कमरे में लेकर के चलते हैं। ये मेरे बड़े भाई का कमरा हुआ करता था एक जमाने में। चप्पल पहन के आना पड़ेगा उस्ताद। नहीं, चप्पल उतार के आना पड़ेगा। अब ये सिर्फ जो है बिस्तर का कमरा है। तो भाई वो क्या खरीदना यहाँ से? ओ क्या खरीदना, कमरे से आके चीजें खरीदी। साथ मजा आ रहा है। आपस की बात है, आज पूछने वाला नहीं है। सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। देख भाई, कोल्ड ड्रिंक भी पड़ी है, पी ले। वो देख, लेस भी पड़ा हुआ। सब तो खाने पीने के तो है। भाई बायकॉट तो बहुत अच्छी बात है। रिक्स लिखा हुआ भाई, आपको कहाँ से रिक्स मिलेगा ये नहीं पता आपको, लेकिन मिल जाएगा। सही है ना? लगे यार, सीन ये है कि इसको बैग नहीं मिल रहा है। इतनी दूर से ये ट्रेवल करके यहाँ पर आया और इसको बैग नहीं मिल रहा है। कभी ख्वार हो रहा है ये, बस कब से हमें भी ख्वार। दो ख्वारी हो गई मेरे साथ। एक तो इन लोग के जो है वो क्या बोल सकते हैं, टाइम पंक्चुएशन की वजह से जो है जिम बंद हो गया। तो भाई लाइट जल गई, ये शोर की गरीब पर देख को सर्दी लग रही, फैन भी बंद कर दिया। ऊपर से ये एक हमें लेस का पैकेट मिला वो खाली। ये यहाँ पर ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये पता नहीं खाली रहता है। ये पड़ा हुआ है बहुत दिनों से बंद है, तो खाली रैपर पड़ा होता हूँ। मैं चाह रहा था कि इसमें कुछ होता तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पड़ा फजूल ठीक है। इस कमरे में कुछ दिनों में एक दफा एक चैलेंज करते हैं, सर्वाइविंग 24 आवर्स। यार ये तो रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है भाई, इतना बड़ा तो आपको होटल में रूम मिलता है, रूम मिलता है वो भी 2500-3000 रुपए का। वॉशरूम का इतना बड़ा साइज है, इतना होटल में बड़ा साइज दिखा, वॉशरूम का साइज दिखाओ तुम। 2500-3000 रुपए अच्छा, रेंट का रूम। हाँ रेंट का रूम, जो भी स्टे करेगा ना यहाँ सबसे ज्यादा ना वो यंग बॉयज आएंगे। जो भी स्टे करेगा यंग डेट मारने आएंगे सबसे ज्यादा। तो भाई बिजनेस बिजनेस भाई, कुछ भी रूम खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, तो उसको इस्तेमाल में लिया गया। यहाँ पे मेरा बड़ा भाई आके हर हफ्ते दो हफ्ते में आके कुरान और नमाज पढ़ के जाता है। आप चाह रहे हो कि यहाँ पे जो है आपके खानदान में जो काम होता हो यहाँ। यार ऐसी भाई जरूर आपकी नियत गंदी है, नियत गंदी ना भाई। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर किसी को जरूरत है, आपकी खुद की दाढ़ी बड़ी नहीं हो रही, आप मुफ्ती है हुमैद अहमद अशरफी साहब बने। जरूरत मन को, जरूरत नहीं जरूरत, जरूरत मन वाले को दे। ऐसा नहीं भाई, सीन ये यहाँ करेंगे, अभी टिक्का पार्टी करेंगे, मसला नहीं है भाई। अभी करते हैं, अभी करते हैं बस। अभी सीन बैग तुम जो ढूंढने आओ पहले वो ढूंढो बैग। सवाल तो ये है कि बैग मिल नहीं रहा है। सही ये है कि भाई इसको किडनैप कर लेते, वापस छोड़ने नहीं आऊंगा मैं। और किडनैप कर लो भाई साहब ने बोला है कि भाई तूने पहले जिम की वजह से मेरे को कॉल करवाया, सही है। अब तू कमरे की वजह से फोन करके परेशान कर रहा है कि भाई बैग क्या है, खुद ढूंढना है तो ढूंढ, नहीं तो कमरा बंद करके वापस आ जा। अब सीन ये है कि इतना बड़ा बैग लेके जाने से रहे, इतना बड़ा बैग मैं तो सोच रही थी तीनों का आ जाएगा। अब भाई शादी वादी जिंदगी होती है उसका बैग है ये। हाँ तो शादी जहेज का बैग होता है भाई, जहेज वहेज के बरी बरी का सामान जाता है तो उसमें बैग आता है। अभी ढूंढते हैं भाई बैग का क्या सीन होता है क्या नहीं होता है, देखते हैं। वो बैग ले जा भाई, वो वाला बैग ले जा, इसको लेके चलते हैं। हां मैं इसके अंदर आ जाऊंगा भाई, तुम भी टेंशन ही नहीं क्या बोलता। तो भाई अभी देखते हैं, माशाल्लाह यार कमरा अभी तक तो सही साफ सुथरा है, साफ सुथरा है, क्योंकि हम लोग जैसे आवाम नहीं रहती ना यहाँ पे। हम लोग जैसे, अब हम लोग के भाई और वालिद और आबाओ अजदाद में जैसे लोग थे, हम वैसे नहीं बन सकते। देखते हैं बैग का क्या सीन होता है, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं। फिलहाल तो मैच जो है वो कुछ कुछ छुपाने में लगा हुआ, ये सिर्फ नजर दौड़ा रहे हैं मेरे काम की। ये इसको किंटॉक्स का स्प्रे देखिए, ये बोल रहा है मैं लेके जाऊंगा, यूज़ पे नहीं है। इन्होंने बोला बिस्तर पड़ा हुआ है गद्दा मैं लेके जाऊंगा, जनरेटर पड़ा हुआ है वो भी मैं ले जाऊंगा। इस्तेमाल में नहीं हो रहा है तो वो हमें दे दे भाई, इस्तेमाल में आ जाएगा भाई, दिल से सवाब मतलब दिल से दुआ निकलेगी भाई। एक मिनट, कमोड भी अपने फुजला जो है गिराए थे, तो चीज़ वो, चीज़। वो चीज़ समझ में नहीं आ रही ना बात। कमोड की अहमियत देखो, किंटॉक से ज्यादा है। आपको एक कमोड
सर्दी लग रही थी ये हरकत है इसकी। अभी सर्दी लग रही थी आपको, पैन फटा हुआ नहीं है, ये स्ट्रगल का पहचान है, स्ट्रगल का पहचान है, स्ट्रगल का पहचान है। इसकी इतने मोटी टांगे और घुटना है ना, उतना तो शायद मेरा बाजू होगा। आप किसी की जिस्मानी का मजाक ना उड़ाएं, सही है? जिस्मानी का मजाक नहीं, हाँ जिसे मतलब अल्लाह ने चीजें दी है ना, उसका आप मजाक ना उड़ाएं। अच्छा, अब चार हफ्ते में सात दिन में से तीन दिन तो आपको बवासीर लगा रहता है, बाकी ये चार दिन आपकी पेट। यार ये आपस की बात है, इसको इग्नोर करें। सही है, और हमें खुआरी हो गई पहली बात तो वहाँ जिम के, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए, उसको बैग चाहिए था टूर में जाने के लिए, इसके बाद बैग यहाँ पे शायद रखा हुआ तो बैग यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी खुआरी हो गई। ये मेरी बर्थ प्लेस, तुम यहाँ पे आके बैठते थे, पीते थे, खड़े होते थे, सॉरी बैठते थे पीते थे खड़े होते थे ना, खड़े क्या होते थे भाई, ये देखो यही है जो है। हाँ। मतलब 23 साल की उम्र में किसी जगह से मोहब्बत नहीं हुई सिवाय इस जगह, इस जगह से ना। अब मसला ये है कि घर शिफ्ट इसलिए करना पड़ गया कि क्योंकि जो है दूर का सफर होता था, जॉब के लिए मसला होता था, तो कहीं मुझे भी उम्मीद की तरह बवासीर ना हो जाए। बात तो सही है, बात तो सही है भाई। तो अंदर की लाइट भी नहीं बंद करके आया, वो तो खैर बाहर से लाइट थी। अब जाहिर सी बात है आप रहते हो, आप अपने कमरे में जो टूटा हुआ बल्ब होता है उसी को चला के इस्तेमाल कर रहे हो, तो अच्छी चीज की आदत नहीं है। पैसे बंदा सेव करे भाई, पैसे सेव करे और फिर मर जाए झोपड़ी में। नहीं नहीं यार देखो, मौत और रिस्क सब अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, बेशक ही है। तो अभी हमें चलने की बात नहीं है, अगर हम चलते हैं आगे तरफ बढ़ते हैं मुफ्ती उमैद साहब, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। मुफ्ती उमैद साहब चल रहे हैं, ठीक है चलते हैं। सारे फ्लैट पहुंच चुके हैं और बता दें अभी किसी से बात कर रहा है जो इस्लामाबाद में सब कोई जाने वाला है टूर के हवाले से, वो बात कर रहे हैं तो उसके होटल वगैरह पे सब जगह आप लेकर के जाएंगे, तो उसके हवाले से थोड़ा सा गाइड करिए मुझे। फुल एक्साइटेड है भाई, वो बात कर रहा है कश्मीर में घुमाने के लिए, जैसे कि कोई बंदा पैकेज वगैरह में होता है जो भी होता है वो घुमा सके आसानी से। ठीक है, तो उसके आप क्या चार्जेस वगैरह लेंगे? तो थोड़ा सा मेरा इंशाल्लाह है, मैं मंडे तक या ट्यूसडे तक आ जाऊंगा, मतलब अब जो मंडे आ रहे हैं इसके बाद वाले मंडे को। जी जी, यानी कि कमिंग संडे इंशाल्लाह हम लोग अल्लाह की अगर रजामंदी हुई तो इंशाल्लाह निकल जाएंगे भाई। देखिए मसला ये है ना कि हम जो है वो फैब के एंड में निकलेंगे ऑफिस की छुट्टी वगैरह ले करके, अब वो एप्लीकेशन डाली भी है तो अप्रूव तो हमने, क्योंकि अगर पहले निकलेंगे ना तो सैटरडे संडे की जो छुट्टी है ना वो भी हमारी जो है ना एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगी। जी, तो इस वजह से जो है ना हम मंडे ट्यूसडे कर रहे हैं, तो इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। बताइएगा तो फिर हम उस हिसाब से एस्टिमेट करेंगे ना मिर्ज़ा भाई, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। मिर्ज़ा भाई बता के नहीं दे रहे हैं, वो पूछे जा रहा है मिर्ज़ा भाई बता दिए लेकिन मिर्ज़ा भाई जो है ना इंशाल्लाह। ठीक है, मैं फिर वेट कर रहा हूँ, आपके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप कर दिएगा मैसेज। मिर्ज़ा भाई ने छुट्टी करा दी है। जी जी, सेम नंबर है, आप व्हाट्सएप में सारा डिटेल का पैकेज वगैरह बता देंगे। ओके हो गया सर, ओके। क्या सीन है मिर्ज़ा भाई, क्या बोल रहे हैं भाई? मिर्ज़ा भाई से बात हो गई है, उन्होंने बोला कि 3 दिन का टूर होगा कश्मीर का इंशाल्लाह, लेकिन आपके पास अगर 2 दिन और है तो 2 दिन आपको आप और घुमा देंगे। नहीं, 5 दिन, 5 दिन का तो सीन 3 दिन कर लेते ना, 2 दिन के और निकल जाएंगे। मसला ये है कि भाई कंडीशन ये है कि आप अगर हम टिकट 10 दिन का करवाएंगे तो उसी हिसाब से घूमना पड़ेगा। हां अभी तो कह रहा हूं, तो इसीलिए तो बोल रहा हूं कि कश्मीर के अलावा फिर हमें मालम जब्बा मरी वगैरह भी घुमा देंगे। हां ना, सही है। तो इंशाल्लाह वो सुबह मुझे जो एस्टिमेशन और पूरा जो है पॉइंट वगैरह बता देंगे कि यहां यहां लेकर के जाएंगे तुम्हें। और पैकेज वो वही तो बोल लो, पैसे वगैरह सब चीज बता देंगे सुबह, और वो लेकर के आएंगे इंशाल्लाह हाईरूफ में जाएंगे इंशाल्लाह। और रास्ता जो खरीद, मतलब रास्ता भी सही है, अभी उन्होंने बताया कि भाई रास्ता ऐसा है कि अभी 3-4 दिन में खुल जाएगा सब कुछ, प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि बर्फ पिघल चुकी है, सही है, ठंड हो रही है लेकिन बर्फ ठंड हो रही है। हाईरूफ इस्लामाबाद से लेके जाएगी, हाईरूफ फैजाबाद से हमें लेकर के जाएगी, सही है, जहाँ मैं लास्ट टाइम जब फैमिली हाईरूफ कैसे जाएगी
कश्मीर हर रोज जाती है मेरे भाई, मम्मी को भी लेके गया था। अच्छा, और जो रोड सही है, खड्डे वड्डे जो है कश्मीर, अगर आप हाई रोड से जाओगे 4 घंटे 5 घंटे में पहुंच जाओगे। और खड्डे जो रास्ते जो खाई भाई, वो आप वो दूसरी जगह पे है, वो शोकरान और सवात वाले रास्ते पे खाई वगैरह, कुमराट की तरफ जो रास्ता, कश्मीर वाला रास्ता साफ सुथरा, जो खाई तो नहीं है ना, इंशाल्लाह ताला के फजल करम से पहुंच जाएंगे हम लोग। तो बस यही सीन है, यही सीन है भाई। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द। टूर प्लान तो किया, बाकी अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला में जो है पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा वो अल्लाह ताला के ऊपर है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, कल से इंशाल्लाह जो है उमैद के चक्कर में आज जो है जिम बंद हो गया थोड़ा, तो कल तुम जिम जाओगे, थोड़ा जल्दी आया तो कल मैं इंशाल्लाह जिम का भी सोच रहा हूँ कि व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, मेरी तरफ से ख्याल रखिएगा अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।